हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, आप कैसे यूट्यूब पर सीरियल को अपलोड करके यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हो। जी हां गाइस, यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हो, वो भी सीरियल को अपलोड करके विदाउट कॉपीराइट क्लेम के। दोस्तों अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से यूट्यूब चैनल पर सीरियल को अपलोड करते हो तो दोस्तों आपके वीडियो पर 100% कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दोस्तों कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर किसी भी सीरियल को अपलोड करना है, अगर आप इसको जानना चाहते हो और दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर सीरियल को अपलोड करके सीरियल के किसी भी एपिसोड को अपलोड करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आगे वीडियो में आपको जो कुछ भी बता रहा हूं फ्रेंड्स, आपको यहां पर उसको फॉलो करना है और आपको उसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर सीरियल को अपलोड करना है। दोस्तों यहां पर मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से यूट्यूब पर सीरियल को अपलोड करते हो फिर दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ना ही दोस्तों आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। दोस्तों कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है इस सीरियल को, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे वीडियो में जानते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर आपको अपने फोन में ओपन करना है यूट्यूब को, और यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है न्यू सीरियल लेटेस्ट एपिसोड को। जैसे आप यहाँ पर न्यू सीरियल को सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर ढेरों सारी सीरियल आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, आपके सामने काफी सारी सीरियल यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि इसको 8 घंटे पहले अपलोड किए गए, उस पर 660,000 व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हो इसको 8 दिन पहले अपलोड किए गए, उस पर 1.2 मिलियन व्यूज है। दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर काफी सारे चैनल पर इस तरीके के सीरियल को अपलोडेड यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, उस पर आपको लाखों मिलियंस व्यूज मिलेंगे। और दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे अदर चैनल मिल जाते हैं जो कि दोस्तों इस तरीके के सीरियल का अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करते हैं, और दोस्तों इस तरीके के सीरियल को अपने चैनल पर अपलोड करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई फेक नहीं बल्कि रियल में आज की डेट में काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि दोस्तों सीरियल को अपलोड करके यूट्यूब से हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों आपको कैसे करना है, देखो आपको इस तरीके से सीरियल को सर्च करना है, आपके सामने यहाँ पर काफी सारे सीरियल आएंगे। फ्रेंड्स आप जिस भी सीरियल को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो आपको यहाँ पर उस सीरियल को डायरेक्टली बिल्कुल नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखो आपको उसको डायरेक्टली बिल्कुल डाउनलोड करके अपने चैनल पर वैसे ही अपलोड नहीं करना है, बल्कि दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा यूनिक करना है और यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देना, जिससे दोस्तों आपका जो वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीरियल वीडियो है यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक लगे, अलग लगे। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई सा भी सीरियल को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे, जिस भी सीरियल को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो आप यहाँ पर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, आप इस तरीके से डाउनलोड ना करके फ्रेंड्स यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको क्रिएटिव कॉमर्स में कर ले, क्रिएटिव कॉमर्स पर सेलेक्ट करना, नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सीरियल के जो भी एपिसोड आएंगे फ्रेंड्स, ये सभी क्रिएटिव कॉमर्स एपिसोड है, यानी कि दोस्तों इस पर किसी भी चैनल का लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे 100% नो कॉपीराइट सीरियल है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसी टाइप के सीरियल को डाउनलोड कर लेना है, या फिर चाहे तो आप वैसे भी सीरियल को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लगे डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद से क्या करना है, आपको इसमें एडिटिंग करना है, इसको एडिट कर देना इस तरीके से, जिससे दोस्तों आपका जो सीरियल वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिक लगे, यहाँ पर सेम टू सेम ना मिले। दोस्तों तो यहाँ पर आपको सीरियल को लेने के बाद से कुछ इस तरीके से आपको उसमें डिफरेंट कर देना, जिससे दोस्तों आपका सीरियल पूरी तरीके से यूनिक बन जाए। दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसमें एडिटिंग करना है। आप इस तरीके के सीरियल को कैसे एडिट कर सकते हो जिससे आपका जो सीरियल फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी तरीके से यूनिक बन जाए, चलिए मैं आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और फिर वहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल में अच्छी तरीके से इस तरीके के सीरियल को एडिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको उसी तरीके से इस तरीके सीरियल को लेकर एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे काइन मास्टर एप्लीकेशन में और जानते हैं किस तरीके से आपको इस तरीके के सीरियल को एडिट करना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यूट्यूब के रेशियो में सेलेक्ट करके इसके बाद यहाँ पर आपको किस तरीके से सीरियल को एडिट करना है। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपने जहां पर भी उस सीरियल को डाउनलोड करके रखा हुआ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप उसको सर्च कर लीजिए। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके काइन मास्टर के टाइमलाइन में इस तरीके से ऐड कर लेना, कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर आपका सीरियल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरीके से इस सीरियल को यहाँ पर एडिट करना है, यहाँ से आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सीरियल के स्टार्टिंग वाले पार्ट में आना है, यहाँ पर मैं इसके स्टार्टिंग में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे प्ले होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो कि जुनूनियत करके यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में इंट्रो आ रहा है, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे इंट्रो आ रहा है, उसके बाद से यहाँ पे सीरियल प्ले होना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से खत्म हुआ है वहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये सीरियल दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सीरियल प्ले होकर आएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने हर सीरियल को जिसको आप यहाँ पे एडिट करते हो फ्रेंड्स, आपको उसके स्टार्टिंग में यहाँ पर जो इंट्रो वाला पार्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है। दोस्तों यहाँ से सीरियल स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ से सीरियल स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ तक इसको लाना है, इसके बाद इस पर क्लिक करना है, कैंची में जाना है, यहाँ पर आपको ट्रिम टू लेफ्ट करके इसको कट कर देना है। इस तरीके से देख सकते हो कि आपकी सीरियल वीडियो से यहाँ पे इंट्रो वाला पार्ट हट चुका है। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको इसके एंड वाले पार्ट में आना है, और फिर इसके एंड में भी इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो आउट्रो करके आए। दोस्तों आपको
क्या करना है आपको इस वीडियो के एंड में यहाँ पर जो आउटरो रेफरेंस इसको भी डिलीट कर देना है। सेम वैसा ही यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो एंड हो रहा है, आपको यहाँ तक इसको लाकर रखना है। इसके बाद से इस पर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन में जाकर ट्रिम टू राइट करके इसको कट कर देना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि आपका सीरियल के यहाँ पर इंट्रो और आउटरो कट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद से आप इस वीडियो में राइट साइड में ऊपर कोने में देख सकते हो कि यहाँ पर कलर्स HD का यहाँ पर लोगो या फिर वाटरमार्क बोल लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है उसको हाइड कर देना, आपको यहाँ पर उसको छुपा देना, वरना दोस्तों उससे आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है इसको छुपा देना है। कैसे छुपाना है देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है इसके लिए लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है स्टिकर के ऑप्शन में, जैसे स्टिकर में जाएंगे यहाँ पर आपको ढेरों सारे स्टिकर मिल जाएंगे, जो भी अच्छा लगे यहाँ पर आप उसको लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले स्टिकर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इस तरीके से इस स्टिकर को ले लीजिएगा, इसके बाद से इसको छोटा कर लेना है और यहाँ पर आपको उस वाले जगह पर इस तरीके से लाकर रख लेना है। यहाँ पर आप इसको बढ़िया से इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। आप यहाँ पे इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, या फिर चाहे तो आप अपने चैनल के लोगों को भी यहाँ पर लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसमें करके इस पर क्लिक करना और इसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर देना है, जितने वीडियो का लेंथ होगा, ताकि दोस्तों पूरे वीडियो में यहाँ पे स्टिकर दिखाई दे और फिर वहाँ पर हाइड हो जाए। दोस्तों इस तरीके से आप इसको पूरे वीडियो में खींचकर कवर कर लीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर मैं इसको पूरे वीडियो में करूँगा तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पूरे वीडियो में इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसको करने के बाद से आपको क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है, मिक्सर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको इसके वॉल्यूम को क्या करना, इसके वॉल्यूम को 150% पर कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको 150% पर कर लेता हूँ, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, इसके लेफ्ट और राइट में जो यहाँ पर वॉल्यूम रेफरेंस इसको क्या करना है, इसको 70 पर कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको 70 पर कर लेता हूँ, आप भी इसको कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको लेफ्ट में भी 70 पर कर लेना है, यहाँ पर आपको राइट में भी +70 पर कर लेना है। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर इसका ऑडियो भी एडिट हो चुका है, अब आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, दोबारा से यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर देख सकते हो आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, फिल्टर यहाँ पर आपको कोई से फिल्टर को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा सबसे ऊपर जो वन वाला फिल्टर, इस पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद से यहाँ पर आपको W01 वाला जो फिल्टर फ्रेंड्स इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 100 होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों इसको यहाँ पर आपको 70 पर कर लेना है। इस तरीके से आप इसको 70 पर कर लीजिएगा। इसके बाद से आपके यहाँ पर सीरियल वीडियो में फिल्टर भी अप्लाई हो जाएगा और दोस्तों इससे आपका जो सीरियल फ्रेंड पूरी तरीके से यूनिक बन जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका सीरियल यहाँ पर एडिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें अपने चैनल के लोगो या फिर वाटरमार्क को भी इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, आप इसमें अपने चैनल के वाटरमार्क को ऐड कर लीजिएगा। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने चैनल के नेम को, जो भी आपका चैनल का नेम होगा फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको सिंपली टाइप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इसी चैनल के नेम को टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद से ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, इसके फोन को चेंज कर देना है। यहाँ पर मैं इसके फोन को चेंज कर देता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका नेम टाइप करा जाएगा। उसके बाद से फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ढेरों सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, जो भी अच्छे लगे यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस वाले फ़ोन को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी चाहे तो इसको कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ फ़ोन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से इसमें इस तरीके से नीचे की तरफ इसमें ऐड कर देना है। उसको करने के बाद से इसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आप इसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर लीजिएगा, तो आप यहाँ इसको कर लीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है, देख सकते हो ओपेसिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ओपेसिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर 100 होगा तो क्या करना है, इसको भी आपको यहाँ पर 70% पर कर लेना है। यहाँ पर आप इसको 70% पर कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हल्का हल्का दिखाई देगा और फ्रेंड्स यहाँ आपके वीडियो में पूरा फिट बैठेगा। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। अब इसको करने के बाद से क्या करना है, आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरीके से एडिट हो चुका है। अब इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें सब्सक्राइब बटन और भी कुछ आप इसमें एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दोस्तों तो यहाँ पर आपको सीरियल में पूरा टाइम देकर एडिट करना है, जिससे दोस्तों आपका जो सीरियल फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया बनकर आए। दोस्तों इसके बाद से क्या करना है, आपको इसको सिंपली सेव कर लेना है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट में ऊपर एक्सपोर्ट को ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसके रेजुलेशन को फुल HD 1080p पर रखना है, इसके फ्रेम रेट को 30 पर रहने देना है और इसके बिट रेट को आप अपने वीडियो के MB के साइज के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको हमेशा ही 10 MBPS पर अपने वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप भी इसको कर लीजिएगा, बढ़िया क्वालिटी आता है। इसके बाद से नीचे सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है, उसको अपने फोन में सेव कर लेना। जैसे वीडियो सेव हो जाता है उसके बाद से आपको अपने चैनल पर जाकर इस वीडियो को बढ़िया से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को वहाँ पर आपको यूनिक सा थंबनेल को भी लगा देना है और फिर उसके बाद से इस वीडियो को अपलोड करना है। जैसे आप इस सीरियल को अपलोड करेंगे उसके बाद से देखेंगे फिर आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और दोस्तों आपके सीरियल पर भर भर के मिलियंस में व्यू जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पर दूसरे के सीरियल वीडियो को लेकर फिर आप कॉपी पेस्ट करके YouTube से अर्निंग कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट क्लेम के। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।